कभी कावड़ नहीं है, सब सब जल लेके आ रहे हैं, देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से आप। 41 किलो, 31 किलो, 51 किलो सभी में जल हैं और सभी ने अनुपशहर गंगा से जल भरा है। निकल चुके हैं भोले तीनों भाई, साथ हैं। बम। मैं आज उन भोलों से बात करा रहा हूँ जो कि अनुपशहर से जल लेकर आ रहे हैं, जमुना से जाएंगे। पूछूंगा कब जल भरा था उन्होंने और कितने किलो की कावड़ लेके आ रहे हैं। 40 किलो की कावड़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यतेंद्र। यतेंद्र भाई, कब भरी थी आपने कावड़? 1 बजे कावड़ लेके चल दी। जब इसे कंटिन्यू चल रहे ना, बीच में थोड़ा घुटने वाले भंडारे में जहाँ थोड़ा सा लगे वहाँ। अच्छा, कब तक पहुँच जाओगे? पहुँच लेंगे 2-2.5 बजे तक चल चला। हाँ, पहुँच जाओगे आप भी जब ठहर के। तीनों भाई हुआ। हाँ, मेरे साथ जो ये तीनों भाई दिखाई दे पा रहे हैं और जो गंगा अनुपशहर गंगा से जल भर कर आ रहे हैं, 41 किलो की कावड़ है, 41 किलो का जल भर कर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि आज दोपहर तक हम शायद पहुंच जाएंगे, क्योंकि शाम को हमें दोपहर के लगभग जल चढ़ाना है। तीनों, सबसे बड़ी बात है कि तीनों ही भाई हैं और तीनों साथ लेके चले हैं। पहली बार जल लेने के लिए? पहली बार। बता रहे हैं कि पहली बार जल लेने आए हैं। तीनों भाई साथ हैं, तीनों भाई साथ में चले हैं। रात 1 बजे जल भरा था, उसके बाद अब घर की ओर निकले हैं और लगभग बता रहे हैं 2 बजे के समथिंग तक पहुँच जाएंगे। मैं दिखा दूँ आपकी भूले की कावड़ है, जिसमें 40 किलो जल है, आप देख पा रहे हैं। और दो तीनों भाई में तीनों भाई लेकर जा रहे हैं, बता रहे हैं पहली बार भी जल लेकर जा रहे हैं। अनुपशहर से जल भरकर लौट रहे, बता रहे हैं कि 51 किलो का जल है और हमारी टीम सब साथ है, सब साथ हम जल लेकर आ रहे हैं। सुबह कल देर रात जल भरा था, आज सफर तय हुआ है, गहना गोवर्धन तक आ चुके हैं। इसके बाद हमें निकलना है, आगे की ओर जाना है और लगभग हम कल संभवतः अपने मंदिर जहां हमको जल चढ़ाना है वहां पहुंच जाएंगे। यहां जो गहना गोवर्धन पर जो भंडारा लगा हुआ है, इसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं, मेडिकल सुविधा हो या, और सबसे अच्छी बात है कि यहां के जो आयोजक हैं, हम जल लेकर आए हैं और हमारी टांगों को भी दबा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और वाकई हम इस भंडारे की सराहनीय करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो सेवाएँ हैं हमें इस भंडारे में देखने को मिली है, ऐसा भोले कहना है। और भंडारे के आयोजक भी कह रहे हैं कि हम जितने भोले आ रहे हैं सभी की टांगें दबा रहे हैं, सभी को सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जिससे उनको परेशानी महसूस करें, ये कहना है भोले के भक्त और भोले के इस भंडारे आयोजकों का, जो कि कहना गोवर्धन पर लगाया है। बता रहे हैं प्रथम भंडारा है, आने वाला जो भंडारा है इससे विशाल होगा। जो परेशानी होती है उसकी हम चाहते हैं भोले को रास्ते में कोई परेशानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ अगर उनको खान पान से लेकर मेडिकल सुविधाएं, पहली बार भंडारा लगा है, वो पूरे गांव का सही होगा जी, पूरे गांव का। अच्छा, भोलों को पूरी सुविधा, हर चीज की, जैसी भी हो रही है, बैठने की, उठने की, खाने की, पूरी व्यवस्था है। बता रहे हैं भोले के भक्त भी, और भोले ने भी बताया कि 51 किलो की कावड़ है, पहली बार कावड़ लेने आए हैं, अनुपशहर से कावड़ भरी थी। और लगभग कब तक पहुँच जाएंगे भोले अपने? कल सुबह आठ बजे। कितने लोग हैं? हम 5 जने हैं, एक ही है, दोनों में भोले मेरे साथ खड़े हुए हैं उनमें। तो चलिए मेरे साथ, मैं और भोले से भी आपकी बात कराऊंगा, चढ़ा देंगे, मेरे साथ हैं और
दूसरी बार जल्दी नहीं उनके साथ आया हूँ, कई बार मिलना केदारनाथ से वो भी कल घर चला दूँ, हमें कल जल्द अपने गाँव पहुँच कर चला दूँ। ऐसा इन भोले को भक्त करना चाहिए, शहर पैदल छोटे छोटे कदमों से अपने जल भक्त अपने भोले मंदिर पर जल जल चढ़ाएगा। बाकी ऐसे उत्साहित हैं, उत्साहित हैं इस जल भरने को लेकर छोटे भोला। हम चाहते हैं कि इस तरीके के जो छोटे नए नए कदम हैं जल लेकर आ रहे हैं, बाकी ऐसे भोले की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके हौसलों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वो आस्था के प्रति जो अपना आस्था दिखा रहे हैं, बाकी ऐसा सभी में होना चाहिए। जिस तरीके का जज्बा आज इस छोटे से होने को मिले, कदमों को बढ़ा रहा है, कदमों को घूमने नहीं दे रहा है, नन्हे कदम है, बोले के लिए वो जल लेने के लिए अपने घर से निकले हैं और कल तक बता रहे हैं।